तो दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कल्प वृक्ष। ओरछा में कल्प वृक्ष है जो 500 साल पुराना है। यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु गढ़ आते हैं कल्प वृक्ष देखने के लिए। हम आप लोगों को भी कल्प वृक्ष दिखाएंगे अभी। और कल्प वृक्ष हम दिखा रहे हैं आपको, ये 500 साल पुराना है और यहाँ पे बहुत से श्रद्धालु आते हैं जिनको मालूम है, वो लोग आते हैं और इसको प्रभु का वरदान समझ के चरण स्पर्श करते हैं। और मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, देखो चारों तरफ से देखो आप, और भी अभी दिखाएंगे। ये दोस्तों कल्प वृक्ष है, क्या भाव बता रहे थे भैया? इधर से आओ, इधर आओ, क्या बता रहे? ये जो है नानी देव की जो है ने देखा। अच्छा अच्छे कल जो चले गए हाँ, बजरंग बली की मूर्ति है। अच्छे अच्छे बजरंग बली की वो है पेड़ी में, जड़ में, जड़ में है। कहाँ पे? जड़ में नया पेड़ा है, कदम का पेड़ा है, कदम कदम। अच्छे अच्छे हाँ, वो जो नानी देव का मैंने कहा है वो वाला नाई है घर पे भी। अच्छे शेर का हाथी का जो है मम्मी सूर शेर का मुँह है सब स्पर्ध है पूरा। तो आपकी तो दोस्तों देखिए ये कल्प वृक्ष है, मैंने आपको दिखाया भी था। और ये सारी चीजें यहाँ है ओरछा में, और इसको मैंने अभी दृश्य जो दिया लिया है बैक कैमरे से लिया है, मैं आपको सब दिखाऊंगा इसमें एक एक करके। और अभी जो है मैं इस कल्प वृक्ष को यहाँ पे देख रहा हूँ बैक कैमरे की, चारों तरफ से ये कल्प वृक्ष है, चार 500 साल पुराना है। और इसमें बताते हैं कि वृक्ष एक है लेकिन दो पेड़ से लगते हैं इसमें अलग अलग से। देखो ये देखो ये सारी चीज़ें हैं इसमें अलग अलग, देखो ये। तो अभी आपको मैंने दिखाया है एक मिनट बस, जय श्री राम। कहाँ है प्रयाग जाके जा रोड पे लगी, इधर करवा दे रहे भी इनके, जरूर अंदर जरूर होगी यार।